बंगाली समोसे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। एक बार इसे बना लीजिएगा तो आप इसका दीवाना हो जाइएगा। तो देर किस बात की, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक बड़ा सा परात लिए हैं, इसमें डाले हैं हम एक कटोरी मैदा, डालेंगे हम एक चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन से हाथों से क्रश करके डालेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। छोटी चम्मच काला जीरा, इसे भी ऐसे थोड़ा सा रगड़ के डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ अच्छे से मिक्स हो चुका, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक नरम डो लगा के तैयार करेंगे। देखिए कितना नरम डो हमारा बन के तैयार हुआ। साइड में रख देते हैं और स्टफिंग से तैयारी कर लेते हैं। यहाँ चार उबले हुए आलू को हम अच्छे से मसल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग चम्मच के बराबर रिफाइंड ऑयल। सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। के साथ सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुका, अब इसे हम साइड में रखेंगे। लगा के रखे थे उसका हम बड़ी बड़ी तीन लोई तोड़ लेंगे। तीन लोई हम बना के तैयार कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और एक लोई को सूखा आटा से कोट कर लेंगे। अब इसे एकदम पतला रोटी की तरह हम बेलेंगे। इसे खूब बड़ी सी रोटी बेल लिए हैं हम। अब इसके सेंटर में एक छोटी सी कटोरी रख देंगे, बना के रखे थे। रोटी के चारों तरफ हम अच्छे से लगाएंगे, एकदम पतला सा लेयर लगाएंगे। हम स्टफिंग्स अच्छे से लगा लिए हैं, कट करेंगे। अब बीच में थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे। अब सबको ऐसे हम रोल बनाएंगे। देखिए बहुत अच्छा से रोल बन के तैयार हो जाएगा और पानी लगाए हैं इसे ही चिपक जाएगा। गैस पे एक मोटे तले का कढ़ाई रख दी है, इसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसे हल्का ही गर्म करेंगे। जैसे हम समोसा कचौड़ी तलते हैं, तैयार किए हुए सभी रिंग समोसे को हम तेल के अंदर डाल देंगे। हल्का हल्का नीचे से सीख गया है, इसे हम पलट देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे पलट पलट के एकदम अच्छे से सेक लेंगे ताकि अंदर से कच्चा नहीं रहे। इतना प्यारा कलर आया है, एकदम अच्छे से सीख गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, सभी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख रहे हैं कितना क्रिस्पी नाश्ता बना है। इसी तरह हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो चुका। इसी तरह सभी को फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए हमारा पोटैटो रिंग समोसा बनके तैयार हो चुका। लग रहा है ना कितना मजेदार, खाने में भी उतना ही यम्मी लगेगा। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, हम इसे तोड़ करके बताते हैं। देखिए देखिए कितना अच्छा बना है। हम इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किए हैं, आप किसी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।